प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रीवा लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई, महिला एवं बाल विकास मऊगंज जिला रीवा की दो अधिकारियों को रंगे हाथ लोकायुक्त ने किया ट्रैप। आनंदपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा जिले रीवा की दो अधिकारियों के रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां एक लोकायुक्त में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दो कार्रवाई की। आपको बता दें कि लोकायुक्त ने पहली कार्रवाई महिला बाल विकास के दो अधिकारियों को माध्यम भोजन का बिल पास कराने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है, तथा दूसरा 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथ लोकायुक्त ने पकड़ा है। वहीं दूसरी कार्रवाई आनंदपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा जिला रीवा को गृह निर्माण सहकारी समिति रीवा की एनओसी जारी करने के एवज में आरोपी संतोष दुबे द्वारा 25,000 रिश्वत की मांग की गई है, जहां 25,000 रिश्वत लेते हुए आज लोकायुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की है। तो यह रीवा जिला की सबसे बड़ी खबर है जो लोकायुक्त कार्यालय से आ रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। जी सर, इसमें फरियादी हैं अशोक कुमार मिश्रा, ये रीवा लोकल में ही जो अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी है उसमें इनका एक बुक एंड प्लॉट है, जो कि ये अपने बच्चे के नाम कराना चाह रहे थे। तो उसमें सोसाइटी लॉज में एक ऐसा नियम रहता है कि उसमें उसकी एनओसी लगती है, वो एनओसी इनके द्वारा अध्यक्ष और जो प्रबंधक हैं वहाँ के, इनसे मांगी जा रही थी। बहुत समय से वो फरियादी परेशान था और उस एनओसी देने के एवज में पैसों की मांग भी की जा रही थी। उसी कार्यक्रम में हमारे पास उसने शिकायत की, हमने उसका सत्यापन कराया, सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाई गई। उसी कार्यक्रम में आज जो है अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी का जो प्रबंधक संतोष दुबे और दूसरा सह आरोपी गोमेज द्वेदी, इन दोनों को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग द्वारा गिरफ्तार किए, कार्रवाई अभी चल रही है। मेन जो प्रबंधक है संतोष दुबे, इन्हीं के द्वारा इसमें जो है 12 सदस्यीय टीम डीएसपी साहब पर्याय साहब उनके द्वारा कर रही है। पैसा तो चूंकि उसने पहले ज़्यादा मांगा था, दोनों ने आपस में बातचीत में 50,000 से बात 25 पे सेटल हुई, 25 दे दो तो मैंने उसे दे देंगे, तो उसको 25,000 रुपये का देगा था उसने रखा ही। शिकायत करता है राजेश वर्मा, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उनके जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं उसमें बच्चों का जो खाने का उनको पेमेंट मिलता है सरकार के द्वारा, उसके 3 माह के बिल पेंडिंग थे करीब 1,90,000 राशि, जो शिकायतकर्ता ने जैसा बताया उसको पास नहीं किया जा रहा था। और इन दोनों इसमें परियोजना अधिकारी जो है श्रीमती माया सोनी और अंजू त्रिपाठी जो सुपरवाइजर हैं, इन दोनों के द्वारा उसके बिल को रोक लिया गया था। और बिल पास कराने के एवज में कुल 20,000 रुपये की मांग की गई थी, इसमें 5,000 रुपये पूर्व में लिए जा चुके थे, 10,000 रुपये आज जो है उन्हीं के कार्यालय में उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, कार्रवाई जारी है। ये 12 सदस्यीय टीम है, इसमें डीएसपी साहब हमारे राजेश पाठक साहब ने इस टीम को लिया। सतीश पांडे और संतोष दुबे एनओसी देने के लिए, किस एवज में आपसे पैसा मांगेंगे? प्लाट की एनओसी लेने के लिए, हम अंजलि श्रीवास्तव के लिए, मेरा बच्चा प्लाट खरीद रहा था 19 तारीख को, 19 जून को उसका पीएससी का पेपर है। बोला पापा, हम गए तो हमको परेशान कर रहे थे, 1,00,000 रुपए मांग रहे थे, हम जो है ये हमारे बस की बात नहीं है, हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसा भी आप दे दीजिए। वो प्राइवेट जॉब करता है, पीएससी की परीक्षा 19 तारीख को उसकी है। कितने पैसा? तो वो मांग तो 1,00,000 रुपए रहे थे एनओसी केवल देने जी। पहले कितना पैसा दिया किसको? 25,000 रुपए फिर इकट्ठे
25,000 बोले कि दे दीजिए, जो होगा बाद में बताएंगे। तो आप किसको दिए थे? गोमेश दुबे थे। क्या नाम है आपका जी? आपका क्या? अशोक मिश्रा।